hello dear students welcome to my channel npc gyan bhandar subscribe my channel npc gyan bhandar and also tap the bell button for updates myself nirmal prajapati online classes by npc gyan bhandar class 5 to 10 subject math science and computer of any boards ICSE, cvsc jack or any state board of english medium class 11th and 12th subject physics math and computer science of any board ICSE, cvsc jack or any state board of english medium for more information contact on my whatsapp number 9431703940 and note personal online video classes also given here that are chargeable कोविड नाइन्टीन स्टेट होम स्टडी एट होम दिस इज फोर सी बी एस ई क्लास एट मैथ फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर ओके इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू रैशनल नंबर्स इंट्रोडक्शन इन मैथमेटिक्स वी फ्रिक्वेंटली कम अक्रॉस सिंपल इक्वेशन टू बी सॉल्व मैथमेटिक्स में हम लोग कभी कभी सिंपल इक्वेशन सॉल्व करते हैं ठीक है ना फॉर एग्जाम्पल द इक्वेशन एक्स प्लस टू इक्वल टू थर्टीन ये इक्वेशन वन है इज सॉल्व वेन एक्स इक्वल टू इलेवन बिकॉज दिस वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइ द गिवेन इक्वेशन द सोल्यूशन इलेवन इज ए नेचुरल नंबर ऑन द अदर हैंड फॉर इक्वेशन एक्स प्लस फाइव इक्वल टू फाइव इक्वेशन टू मतलब इक्वेशन फर्स्ट जो है वो तभी सेटिस्फाई हो रहा है जब एक्स का वैल्यू हम इलेवन रख रहे हैं इलेवन पुट कर रहे हैं तो इलेवन जो है वो एक्स को सेटिस्फाई कर रहा है ठीक द इलेवन इज नेचुरल नंबर और इलेवन क्या है नेचुरल नंबर इससे पहले क्लास में प्रीवियस क्लास में आप लोग सब स्टडी कर चुके हैं नेचुरल नंबर होल नंबर प्राइम नंबर को प्राइम नंबर एवरीथिंग ओके अदर हैंड फॉर तो ये एक नेचुरल नंबर है इलेवन ओके दूसरे तरफ देखेंगे दूसरा इक्वेशन है एक्स प्लस फाइव इक्वल टू फाइव द सोलूशन गिव्स होल नंबर तो इसका सोल्यूशन क्या आ रहा है एक्स का वैल्यू जीरो आ रहा है जो कि होल नंबर है ओके इफ वी कंसिडर ओनली नेचुरल नंबर यदि हम सिर्फ नेचुरल नंबर को कंसिडर करते तो क्या होता इक्वेशन टू का सॉल्यूशन नहीं निकल पाता इसलिए इक्वेशन टू का सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ा टू सॉल्व इक्वेशन लाइक टू वी एडेड द नंबर नंबर जीरो टू द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एंड ऑप्टेन द होल नंबर मतलब हम लोग क्या किए इस तरह की सॉल्यूशन को इस तरह की इक्वेशन को सॉल्यूशन निकालने के लिए ठीक इक्वेशन टू की तरह जो इक्वेशन है उस सबको सॉल्व करने के लिए जीरो को नेचुरल नंबर में ऐड किया गया जो कि एक नया नंबर बना उससे हम लोग क्या बोलते हैं होल नंबर ठीक फॉर फॉर इवेंट होल नंबर्स विल नॉट सफिशियंट टू सॉल्व इक्वेशन ऑफ टाइप एक्स प्लस एटीन इक्वल टू फाइव दैट इज इक्वेशन थ्री मतलब जबकि होल नंबर भी सफिशियंट नहीं है दूसरे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ठीक तो दूसरे इक्वेशंस क्या है देखते हैं इक्वेशन थ्री देखिए एक्स प्लस एटीन इक्वल टू फाइव तो इसमें एक्स का वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा एक्स इक्वल टू एक्स जो है नेगेटिव से आएगा ओके माइनस थर्टीन आएगा ओके डू यू सी वाई वी रिक्वायर द नंबर्स माइनस थर्टीन विच इज़ नॉट ए होल नंबर क्या आप सोच सकते हैं क्यों माइनस थर्टीन का जरूरत पड़ा और जो कि एक होल नंबर नहीं है दिस लेटस टू थिंक ऑफ इंटीजर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इसलिए आप सोचिए इंटीजर्स के बारे जो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स होता है आप पढ़ चुके होंगे सब इंटीजर्स से पहले नोट द नॉट दैट द पॉजिटिव इंटीजर्स कॉरेस्पॉन्ड टू नेचुरल नंबर वन में थिंक दैट वी हैव एनअ नंबर्स टू सॉल्व ऑल सिंपल इक्वेश विथ अवेलेबल लिस्ट ऑफ इंटीजर्स कंसिडर अनदर कंसिडर द इक्वेशवल टू थ्री दैट इज इक्वेशन फोर एंड फाइव एक्स प्लस सेवन इक्वल टू जीरो दैट इज इक्वेशन फाइव मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि नेचुरल नंबर्स में ही आते थे आते हैं ओके पॉजिटिव इंटीजर्स जितने भी हैं वो नेचुरल नंबर्स ही हैं ओके okay? और जो कि सोच रहे हैं कि ये नंबर्स एन एफ है सारे इक्वेश्स को सॉल्व करने के लिए तो ये गलत है ये अभी और भी बहुत सारे नंबर्स है जो जैसे इस इक्वेशन को ले लीजिए इक्वेशन फोर टू एक्स इक्वल टू थ्री इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा थ्री बटे टू आ जाएगा और इक्वेशन फ़ाइव को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस सेवन बटे फाइव आ जाएगा ओके फोर विच वीक कैन नॉट फाइंड सोल्यूशन ऑफ़ द फ्रॉम द इंटीजर्स मतलब हम लोग इक्वेशन फोर और फाइव को इंटीजर्स से सॉल्व नहीं कर सकते हैं उसके लिए दूसरा नंबर्स की जरूरत है वी नीड द नंबर्स थ्री बाई टू टू सॉल्व इक्वेशन फोर एंड माइनस सेवन बाई फाइव टू सॉल्व इक्वेशन फाइव ठीक दिस लेट्स टू अस द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स तो ये क्या है रेशनल नंबर्स हैं ये सब जो p बटे क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं मतलब नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर जिसमें एक नमिनेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है वी हैव ऑलरेडी सीन बेसिक ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स वी नाउ ट्राई टू एक्सप्लोर सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स आप इससे पहले ऑपरेशन पढ़ चुके हैं रेशनल नंबर्स का रेशनल नंबर्स भी पढ़ चुके हैं बस ये रिविजन था रिकेप था तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं ओके okay? वट इज इन नेक्स्ट पेज प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर रैशनल नंबर का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ओके फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी ओके क्लोजर प्रॉपर्टी ओके क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर्स होल नंबर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है देखते हैं ऑपरेशन एडिशन करेंगे ठीक होल नंबर को अगर एड करेंगे तो क्या होगा तो देखिए नंबर जैसे जीरो प्लस फाइव क्या आ रहा है फाइव ही आ रहा है एक होल नंबर हो जा रहा है दूसरा क्या है फोर प्लस सेवन फोर प्लस सेवन फोर प्लस सेवन कितना होता है पूछ रहा है क्या ये होल नंबर हो रहा है फोर प्लस सेवन एलेवन इलेवन जो कि एक होल नंबर है ओके इन जनरल ए प्लस बी इज ए होल नंबर फोर से टू होल नंबर्स ए एंड बी मतलब अगर दो होल नंबर को ऐड करेंगे तो जो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी होल नंबर ही होगा ठीक होल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन मतलब होल नंबर को अगर ऐड करेंगे तो होल नंबर ही रहेगा तो इसी को क्लोजर प्रॉपर्टी बोला गया क्लोज मतलब होल नंबर ही रहेंगे होल नंबर से बाहर नहीं जाएंगे इसी को क्लोजर प्रॉपर्टी बोला गया है दूसरा है सप्ट्रक्शन में देखते हैं एडिशन में होता है वो चीज अब सप्ट्रेक्शन में होता है कि नहीं देखते हैं चलिए सप्ट्रक्शंस में फ़ाइव माइनस सेवन करेंगे तो क्या आ जा रहा है माइनस टू आ जा रहा है जो कि क्या है विच इज़ नॉट ए होल नंबर मतलब जो होल नंबर नहीं है मतलब होल नंबर सप्ट्रैक्शन uh, सब्ट्रैक्शन में देखिए होल नंबर क्लोज नहीं रह रहा है ठीक होल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन में होल नंबर क्लोज नहीं हो रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी का फॉलो नहीं कर रहा है सब्ट्रैक्शन और होल नंबर में ओके okay? क्योंकि वो अनदर्स नंबर आ जाए माइनस में नेगेटिव में आ जा रहा है जो कि होल नंबर नहीं है नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं चलिए होल नंबर का जीरो इंटू थ्री जो कि होल नंबर है सेवन इंटू थ्री क्या हो जाएगा ट्वेंटी वन जो कि एक होल नंबर है इन जनरल इफ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स दिस प्रोडक्ट ए बी इज ए होल नंबर मतलब अगर दो कोई होल नंबर है ए एंड बी तो इसका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट निकलेगा तो प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा होल नंबर ही रहेगा होल नंबर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन मतलब दो चीज़ में क्लोज रहा मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर में दो चीज़ में, में फॉलो किया एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन में अब सब में नहीं किया एंड डिवीज़न में देखते हैं चलिए करता है कि नहीं डिवीज़न फाइव डिवाइड एट विच तो फाइव डिवाइड एट को क्या लिखेंगे फ्रैक्शन में फाइव बाई एट विच इज़ नॉट ए होल नंबर जो कि एक होल नंबर नहीं है तो इसका रिमार्क क्या हो जाएगा होल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर अंडर डिवीजन मतलब डिवीजन में भी होल नंबर क्लोजर नहीं रहा क्लोज नहीं रहा तो होल नंबर के लिए एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में क्लोज रहेगा एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए क्लोज नहीं रहेगा ये याद रखिएगा ओके तो नेक्स्ट चलिए देखते हैं इंटीजर्स में ठीक इंटीजर्स में क्या होता है ओके तो देखिए पहला ऑपरेशन है फर्स्ट ऑपरेशन इज एडिशन ओके नंबर्स माइनस सिक्स प्लस फाइव इक्वल टू माइनस वन एंड इंटीजर्स जो कि एक माइनस वन इज माइनस सेवन प्लस माइनस फाइव एन इंटीजर क्या पूछ रहा है कि माइनस सेवन प्लस माइनस फाइव क्या इंटीजर से तो इसको देखते हैं माइनस सेवन प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस सेवन एंड माइनस फाइव क्या हो जाएगा माइनस ट्वेल्व ठीक जो भी जो कि एक इंटीजर है ठीक नेक्स्ट है एट प्लस फाइव क्या इंटीजर्स होगा थर्टीन इंटीजर्स है इन जनरल हम लोग कह सकते हैं ए प्लस बी एज एन इंटीजर फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी मतलब हम लोग कह सकते हैं कि दो इंटीजर्स ए और बी को अगर ऐड करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो इंटीजर्स ही रहेगा तो इसका रिमार्क है इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन मतलब इंटीजर्स भी क्लोज है एडिशन में ओके okay? मतलब इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो इंटीजर्स ही रहेगा दूसरे में नहीं जाएगा दूसरे नंबर्स में नहीं आएगा नेक्स्ट है सप्टेक्शन सप्टेक्शन होगा कि नहीं सप्टेक्शन्स देखते हैं चलिए एग्जाम्पल के थ्रू सेवन माइनस फाइव क्या आ जाएगा टू एन इंटीजर जो कि एक इंटीजर है इच सेवन माइ फाइव माइनस सेवन एन इंटीजर फाइव माइनस सेवन करेंगे तो माइनस टू आ जाएगा जो कि एक इंटीजर है ठीक मतलब इंटीजर्स जो है सब्ट्रैक्शन में भी क्लोज रहता है जबकि होल नंबर नहीं रहता था ये सब याद रखिएगा इसको पहले कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा ठीक तभी याद रहेगा ये पॉइंट्स इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्टशन मतलब इंटीजर्स जो है क्लोज्ड है in, में भी एडिशन में भी क्लोज्ड है सब्टशन में भी क्लोज्ड है मतलब इंटीजर्स ही रहेगा सबट्रक्ट करेंगे या ऐड करेंगे चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं मल्टीप्लीकेशन में सबटक्शन तो, में हम लोग इन जनरल कह सकते हैं इन जनरल फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी ए माइनस बी इज अगेन इंटीजर ठीक तो ए एंड बी माइनस ए एंड बी अगर कोई इंटीजर्स है तो ए माइनस बी और बी माइनस ए भी क्या होगा एक इंटीजर्स ही होगा नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई में होता है कि नहीं क्लोज देखते हैं चलिए फाइव मल्टीप्लाई एट इक्वल टू फोर्टी जो कि एक इंटीजर है और दूसरा चेक करने बोल रहा है माइनस फाइव मल्टीप्लाई एट का एक इंटीजर है तो माइनस फोर्टी माइनस फोर्टी भी एक इंटीजर से इन जनरल हम लोग कह सकते हैं इन जनरल फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी ए मल्टीप्लाई बी इज ऑल्सो इंटीजर्स मतलब मल्टीप्लाई में भी इंटीजर्स क्लोज रहता है ठीक इंटीजर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन नेक्स्ट है डिवीजन डिवीजन में देखते हैं क्लोज होता है कि नहीं फाइव डिवाइड एट करेंगे तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा फाइव बाई एट विच इज नॉट एंड इंटीजर जो कि इंटीजर नहीं है अगर इसको डेसिमल में लाएंगे तो भी वो इंटीजर नहीं होगा इसलिए इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन डिवीजन के अंडर में इंटीजर्स क्लोज नहीं है मतलब इंटीजर्स को अगर डिवाइड करेंगे तो दूसरे नंबर आएंगे इंटीजर्स नहीं आएंगे ठीक तो होल नंबर के लिए सिर्फ क्लोज कहाँ रहा एडिशन एंड मल्टीप्लेशन में और इंटीजर्स के लिए कहाँ रहा एडिशन सब्टशन और मल्टीप्लिकेशन तीनों में सिर्फ डिवाइड में नहीं रहा नेक्स्ट है रेशनल नंबर में चेक करते हैं ओके रेशनल नंबर रिकॉल दैट ए नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रे रेशनल नंबर मतलब याद करने बोल रहा है आप लोग पढ़ चुके हैं सब कि जिस नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पी और क्यू ये दो इंटीजर्स होगा और क्यू नॉट इक्वल टू तो जीरो होगा वो उसको हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर फॉर एग्जांपल माइनस टू बाई थ्री सिक्स बाई सेवन आर ऑल रेशनल नंबर द नंबर जीरो माइनस टू फोर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू दे आर ऑल्सो रेशनल नंबर्स ओके ये अल्फो रेशनल नंबर है जीरो भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि जीरो को पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जीरो बटे वन माइनस टू भी एक रेशनल नंबर है उसको भी लिख सकते हैं पी बटे क्यू के फॉर्म में पी वाई क्यू के फॉर्म में माइनस टू बटे वन माइनस टू बाई वन फोर को भी लिख सकते हैं पी बटे क्यू के फॉर्म में क्योंकि फोर को भी हम लोग लिख सकते हैं क्या फोर बाई वन नेक्स्ट है पूछ रहा यू नो हाउ टू एड टू रेशनल नंबर दो रेशनल नंबर को ऐड करने आपको आता है पहले ही प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं आप जैसे सपोज ऐड करना है थ्री बाई एट प्लस माइनस फाइव बाई सेवन तो एलसीएम निकालेंगे एट तो एंड तो से, सेवन का फिफ्टी सिक्स एंड देन इक्विवेलेंट करके ऐड करेंगे इक्वलेंट करने के बाद ट्वेंटी वन आ जाएगा नोमीटर में एंड डिनोमीटर में फिफ्टी सिक्स फिफ्टी फाइव बाई माइनस फाइव बाई सेवन का इक्वेलेंट क्या आ जाएगा माइनस फोर्टी बाई फिफ्टी सिक्स तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस नाइन्टीन बाई फिफ्टी सिक्स क्योंकि एक रेशनल नंबर है ऐड करेंगे तो और एक चेक करने बोला है आपको खुद से आप वो खुद से चेक कीजिए और मुझे कमेंट में बताएं कि ये पेज नंबर थ्री का जो ए है उसमें रैशनल नंबर होगा कि नहीं होगा ओके जरूर कमेंट करें ट्राई कीजिए नेक्स्ट है बी नंबर विल द डिफरेंस ऑफ टू चलिए उससे पहले वी कैन से दैट रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन मतलब रैशनल नंबर जो है क्लोज रहता है एडिशन में रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो रैशनल नंबर ही मिलेगा दैट इज फॉर एनी टू रैशनल नंबर ए एंड बी ए प्लस बी इज ऑल्सो रैशनल नंबर ठीक नेक्स्ट है विल द डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर विल अगेन रैशनल नंबर क्या दो दिफ, दिफ, रैशनल नंबर का डिफरेंस अगेन रेशनल नंबर होगा तो चेक करते हैं इसको चलिए माइनस फाइव बाई सेवन माइनस टू बाई थ्री तो एलसीएम निकालेंगे फिर इक्विवेलेंट करके वैसे ही निकालेंगे तो क्या आ जाएगा ये माइनस ट्वेंटी नाइन बाई ट्वेंटी वन आ रहा है जो कि एक रैशनल नंबर है ठीक मतलब सबट्रक्शन में भी लगभग सबट्रक्शन में भी रैशनल नंबर होगा ठीक तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं तो नेक्स्ट पेज में देखिए दिया हुआ है आपको खुद से बताना है माइनस फाइव बाई सॉरी फाइव बाई एट माइनस फोर बाई फाइव बताना है कि इसका डिफरेंस जो रेशनल नंबर होगा कि नहीं इसको आप कमेंट में बताइए बच्चों पेज नंबर फोर का बी कमेंट में लिखिएगा पेज पेज फोर क्वेश्चन बी का रेशनल नंबर है या नहीं तो देखिए इसमें ट्राई दिस फॉर सम मोर पेयर ऑफ रेशनल नंबर इस तरह से आप दूसरे पेयर का भी चेक करने बोल रहे हैं वी फाइंड दैट रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर सप्ट्रेक्शन मतलब हम लोग को हम लोग को मिला कि रेशनल नंबर जो है क्लोज है अंदर सप्ट्रैक्शन में सप्रक्शन में भी क्लोज रहता है मतलब अगर दो रेशनल नंबर को सप्रैक्ट करेंगे डिफरेंस निकालेंगे दो रेशनल नंबर का तो वो भी डिफरेंस जो निकलेगा वो भी क्या निकलेगा रेशनल नंबर ही निकलेगा मतलब ये क्लोज है इसी को हम लोग क्लोज क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं दैट इज फॉर एनी टू रेशनल नंबर ए एंड बी ए माइनस बी इज ऑल्सो रेशनल नंबर नेक्स्ट सी फॉर प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन में चेक करना है ओके लेटेस्ट नाउ सी द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर माइनस टू बाई थ्री मल्टीप्लाई फोर बाई फाइव इक्वल टू माइनस एट बाई फिफ्टीन थ्री बाई सेवन मल्टीप्लाई फाइव बाई टू बाई फाइव इक्वल टू सिक्स बाय थर्टी फाइव बोथ प्रोडक्ट्स आर रेशनल नंबर तो एक आपको खुद से ट्राई करने बोला है माइनस फोर बाई फाइव मल्टीप्लाई माइनस सिक्स बाई एलेवेन तो बच्चों आप ये कमेंट में बताएं पेज नंबर फोर का सी क्या होगा रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा टेक सम मोर पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर्स एंड चेक दैट द प्रोडक्ट इज अगेन रेशनल नंबर और नॉट ओके मतलब इस तरह से पेयर लेने बोला है और प्रोडक्ट चेक करना है कि रेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो है रेशनल नंबर ही आ रहा है कि नहीं तो वी कैन से दैट रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन मतलब रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोज्ड रहता है मतलब दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल नंबर ही मिलेगा दैट इज फॉर एनी टू रेशनल नंबर ए एंड बी ए मल्टीप्लाई बी इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर मतलब दो रेशनल नंबर ए और बी है तो इसका ए मल्टीप्लाई बी भी रेशनल नंबर ही होगा वी नोट दैट अब चलिए डिवाइड में देखते हैं डिवीजन में क्या होता है माइनस फाइव बाई थ्री डिवाइड टू बाई फाइव तो क्या आ जाएगा इसका सॉल्व करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो माइनस ट्वेंटी फाइव बाई सिक्स आ जाएगा जो कि एक रैशनल नंबर है लेकिन आपको चेक करने बोला है दो दिया हुआ है क्वेश्चन यहाँ टू बाई सेवन डिवाइड फाइव बाई थ्री ये चेक करना है आपको और बताना है ठीक रेशनल नंबर है कि नहीं आप कमेंट में बताएं जरूर तभी तो पता चलेगा मुझे कि आपको कितना समझ में आया माइनस थ्री बाई एट डिवाइड माइनस टू बाई नाइन ये भी ये बताना है रेशनल नंबर है कि नहीं तो आपको पता चलेगा कि रेशनल नंबर डिवीज़न क्लोज होता है या नहीं ठीक कैन यू सी दैट रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर डिवीज़न क्या आप कह सकते हैं कि रैशनल नंबर क्लोज्ड है वी फाइंड दैट फॉर एनी रैशनल नंबर ए ए डिवाइड जीरो इज़ नॉट डिफाइंड अगर कोई रेशनल नंबर जीरो से डिफाइन कर, जीरो से डिवाइड करेंगे जो कि जीरो एक रेशनल नंबर है जीरो से अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या सारा एजम्पन्स फेल हो जाएगा क्योंकि एक एक्सेप्शन एक मिला जीरो जीरो से अगर डिवाइड कर देंगे तो नॉट डिफाइंड है जो कि न तो रेशनल नंबर आ रहा है ना कुछ आ रहा है तो यहाँ यहीं हमारा कंडीशन गलत हो जा रहा है तो इसीलिए सो रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडा डिवीज़न ओके हा अवर इफ वी एक्सक्लूड जीरो दैन द कलेक्शन ऑफ ऑल अदर रैशनल नंबर्स इज अंडर द डिविज़न ठीक जब अगर हम लोग जीरो को लेंगे तो चाहे दूसरा नंबर रेशनल नंबर आ रहा है लेकिन अगर जीरो को मान लेंगे तो जीरो वाला कंडीशन ले लेंगे तो वो फेल हो जा रहा है मतलब रैशनल नंबर आर नाट क्लोज अंडर डिविज़न ठीक तो आपको ये डी नंबर वाला बताना है डिवाइड करके क्लोज आ रहा है रेशन नंबर आ रहा है कि नहीं कमेंट में बताएं आप जरूर ए बी सी डी पेज नंबर लिख करके क्वेश्चन नंबर लिखिएगा ठीक थैंक यू मैं भी रिप्लाई कर देने का कोशिश करूंगा और आप अपने दोस्तों तक ये शेयर करें और अच्छा लगा तो कॉमेंट करें शेयर करें लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा देखें और कहीं भी डाउट हो तो क्वेश्चन करें कमेंट में करें या फिर मेरे व्हाट्सअप में करें थैंक्स फॉर वाचिंग ये था पार्ट वन में पार्ट टू बहुत जल्द ले कर आऊँगा थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग और आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और आपसे और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताएं अगर कुछ कमी हो तो बताएं थैंक यू कोविड नाइन्टीन स्टे एट होम स्टडी एट होम